नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटों से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण गर्भवती को बहुत बार कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, इसीलिए कभी कभी गर्भवती को बुखार जैसी समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है और गर्भावस्था में बुखार आना गर्भवती और शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान बुखार को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। यदि प्रेगनेंसी में बुखार आता है तो उसे गंभीरता से ले, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में गर्भवती को बुखार आता है तो शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसकी आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए गर्भवती को बुखार आता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह और दवाई लेनी आवश्यक हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती की इम्यूनिटी पहले की तुलना में कमज़ोर हो जाती है और इसीलिए कई बार इन्फेक्शन होना, बुखार आना गर्भवती में देखा जाता है। गर्भावस्था के दौरान सर्दी जुकाम से फीवर आ सकता है। सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार, इस तरह के लक्षण यदि गर्भवती को दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और मेडिसिन लेनी है। दूसरा कारण यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर आ सकता है। पेट में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ऐसे इन्फेक्शन में भी बुखार आ जाता है। ऐसे कई सारे अलग अलग कारण होते हैं प्रेगनेंसी में बुखार आने के। यह तो हो गए बुखार आने के कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलिए अब देखते हैं बुखार ठीक कैसे करना है और बुखार आने पर आपको क्या क्या देखभाल करनी है गर्भावस्था में। सबसे पहला काम, यदि आपको बुखार जैसा फील होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए और दवाई गोली ले। बुखार आने पर आपको आराम करना है, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, शरीर में पानी की मात्रा अच्छी बनी रहे इसके लिए भरपूर पानी पीना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। यदि आपको सर्दी खांसी है तो आप अदरक, दालचीनी, काली मिर्च इनको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करके अच्छे से पानी में उबाल के काढ़ा बनाकर आप पी सकती है, जो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन क्वांटिटी आपको कम रखनी है। यह काढ़ा बलगम निकालने में भी मदद करता है और सर्दी जुकाम में भी राहत दिलाता है। टेक रेस्ट। नेक्स्ट काम आपको करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। बुखार आने पर जितना हो सके उतना आराम आपको करना है ताकि रिकवरी जल्दी से हो सके। इसके बाद आपको संतुलित आहार लेना है। आपके आहार में प्रोटीन्स की मात्रा भरपूर होनी चाहिए तथा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में आपको आहार में लेने हैं। गर्भवती को बुखार जैसा लगता है तो सुबह खाली पेट आप 3 से 4 तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर उसका सेवन कर सकती है या तुलसी के पत्तों से बनी चाय भी आप पी सकती है। यदि सर्दी खांसी है तो गर्म पानी की भाप लेना भी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट, आप एक टुकड़ा अदरक का कट करके उसे 1 कप पानी में अच्छे से उबाल के फिर उस पानी को ठंडा कर ले, उसमें शहद डालकर इस मिश्रण को पी ले। यह मिश्रण आपको बुखार को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकती है। 1 गिलास पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर 1 टुकड़ा अदरक का और थोड़ी सी चीनी डालकर इसे गर्म कर ले और इसका सेवन करें। यह तो हो गए घरेलू उपाय जो आप कर सकती है बुखार को कम करने के लिए। चलिए अब देखते हैं प्रेगनेंसी में बुखार से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। बुखार से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। खाने से पूर्व आपको आपके हाथों को अच्छे से साबुन से क्लीन करना है तथा बीमार लोगों से आपको दूरी बनाए रखना है। रेगुलर चेकअप के लिए आपको जाना है। तला हुआ, मसाले का, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। सर्दी खांसी होने पर आपको मास्क का प्रयोग अवश्य करना है। तो इन सभी सावधानियों के साथ आपको प्रेगनेंसी में संक्रमण से बचना है ताकि आप फीवर से भी बच सके। गर्भावस्था के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात,
आप आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकती है। जी हाँ, यह पॉसिबल है गर्भ संस्कार से। आप आपके शिशु को सद्गुणों से युक्त बनाने के लिए संजीवन गर्भ संस्कार से भी जुड़ सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।